क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो एक चीज़ पहले मैं बहुत बोलता था फ्री वाईफाई के लिए ना कुछ भी कहीं भी अपना नाम ईमेल डेट ऑफ बर्थ छोड़ के ना आ जाए बेमतलब मतलब, मतलब मैं कभी लगता है कि मतलब जैसे अभी वी टी स्टेशन हुआ चर्च के स्टेशन हुआ वहाँ पर अगर हम कभी नंगे घूमने वाले हैं क्या कभी नहीं ना तो फिर हम ये इंटरनेट में इतने आसानी से सारे इन्फॉर्मेशन क्यों आसानी से पूछें तो जरूरत है क्या कुकीज़ आते हैं कुकीज पे क्यों एक्सेप्ट करें उससे हमारे डेटा एक बार पूछ ल इसकी ज़रूरत नहीं है तो ना कर दो जब उस डेटा की ज़रूरत नहीं है जब हम असली लाइफ में ये नहीं करेंगे नंगा घूमना तो इंटरनेट में क्यों इतनी जल्दी नंगा हो जाते हैं अच्छा ले लो भाई mm. अच्छा ओ टी आ रहा है आपको ओ चाहिए देते क्यों थोड़ा सा बस माइंड शिफ्ट करना है कि वो अलग नहीं है दुनिया मैं भी पूछना चाहूँगा कि क्यों आपने क्या देखा है क्यों होता है बस आ, मासूमियत की वजह से नाई बेटी लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो जाती है कि लोगों को लगता है कि कई बार एक भी हमारी कहावत है इंडस्ट्री की सबसे पुरानी जंग ओल्ड जंगल सेंग जो हम फैंटम में बोलते हैं ना दोस टू नेवर स्लीप्स हमारी सेंग है देर आर ओनली टू काइंड ऑफ कंपनीज द वन हुच आर ब्रीच्ड एंड द वन देट डो नाट नो देर ब्रीच्ड दो ही तरह की है। फिर से कही है, फिर से कही सिर्फ दो तरह की कंपनीज hmm. है द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज आर हुआ आर ब्रीचड द सेकेंड वन हुक्चुअली डोंट नो दे मतलब जिन के घर में चोरी हो चुकी है और जिनको यह भी नहीं पता कि उनके घर में चोरी हो चुकी है <laughs> मतलब हर कंपनी पर अटैक्स हुए हैं है। कई बार तो उन्हें पता ही नहीं कि अटैक हो के उनके लॉसेस भी हो चुके हैं यह सच है तो यह जानना के? भी कि अगर लॉस हुआ कई बार ऐसा हुआ है कि छह आठ महीने तक लोग निकाल रहे हैं आपको पता ही नहीं है आपके लॉसेज हो रहे हैं पर कैसे डिटेल्स में घुस के कैसे अब पहली बात है अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अगर मैं आपकी कंपनी है आपने एक कंपनी चला रहे हो आपके मैंने क्रेडेंशियल चुरा लिए आप सो आई एम रणवीर नाउ आई एम इन योर कंपनी मैं आपकी कंपनी में घूम रहा हूँ रणवीर वन के बट मैं रणवीर हूँ नहीं बट सिस्टम्स देखेंगे हाँ रणवीर तो हैं अलाउ करो उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए दे दो तो अगर एक बार क्रेडेंशियल चोरी हो जाए ना तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो क्योंकि सिस्टम यही रिकगनाइज़ करेगी कि ये तो लजिटमेट है इसको दे दो तो कई बार आप घूमते रहते हो छः छः महीने घूमते हो आराम से किसी को पता नहीं चलता क्यों लोगों को लगता है ये तो रणवीर एक्चुअली घूम रहा है और एक एंगल जो आपको लोगों को अभी आप पूछ रहे हो तो मजा आता डीप फेक की बात चल रही है आपके व्यूअर्स hmm. को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग उन्होंने बात की थी इट्स कॉन्ट बी लाइफ चेंजिंग फॉर अस आप डीप hmm. चेंज में क्या आप अगर आपने अगर मैंने मैंने अगर आपका आई हैव योर पिक्चर आई हैव योर बेसिक डेट ऑफ बर्थ ऑल द डिटेल्स आई कैन क्रिएट अ डीप फेक ऑफ रनवीर दैट वुड ऑलमोस्ट बी नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट एक्ूरेट रनवीर इन अ पोर्नो इन अ पोर्नो और अभी तो एक कॉन्ट्रोवर्सी हुआ ही था किसी हीरोइन के साथ एग्जाम्पल ऑफ वॉट डी फेड दैस एटलीस्ट इज रेपुटेशनल डैमेज आई कुड पोज एज यू इन फ्रंट ऑफ योर ऑनलाइन बैंकिंग एंड टेक योर मनी बिकॉज नाउ आई हैव योर क्रेडेंशियल्स मेरे पास आपके पासवर्ड्स हैं अब वो अगर बायोमेट्रिक्स देखना चाहते हैं आई कैन क्रिएट डी फेक्ट्स बायोमेट्रिक्स जिससे आप मैं बिल्कुल पास होकर जाऊँगा पैसे आपके लेके आऊँगा डी फेक से मुझे सबसे ज्यादा डर मुझे सिर्फ डेटा चोरी का अब ये है कि अगर उसमें ए की टेक्नोलॉजी लगे तो लोग क्या तबाही मचा सकते हैं जो अभी होगा मतलब ये ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये सच्चाई है आई एम श्योर कि अभी भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है दुनिया में होता है अब जैसे पुरानी हिंदी फिल्म में आते हैं ना अरे मैंने तुम्हें दो जुड़वा वाली स्टोरी होती है ना मैंने तुम्हें वहां देखा था पर मैं तो था ही नहीं अब डीप फेक भी होगा अरे तुम तो वहां मैं तो था ही नहीं बट नो योर डी फेक वॉज देयर स्पेशलीलिब्रिटीज पर बहुत बड़े अटैक हो सकते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल इतना ज्यादा डेटा इन टर्म्स ऑफ मेरे इतने सारे पॉडकास्ट अभी ऑनलाइन है लोगों को लोग मेरी आवाज कॉपी कर पाए so, प्रोग्राम बने इज रनिंग एग्जैक्टली योर शो कम्पलीटली डीफेक अगर आप एक साइबर क्रिमिनल होते हैं तो आप हुँ. मेरे पे क्या अटैक करते हैं एज ए यूट्यूबर आई कुड डू रेपेशन डेमेज टू योर शो बाई क्रिएटिंग आई कुड रेप्लीकेट योर शो ऑलमोस्ट द सेम एज एर इंटरव्यूंग गेस्ट एंड यू कूड गेट अ कॉन्ट्रोवर्शियल गेस्ट एंड मेक स्टेटमेंट जिससे आपके शो को डैमेज आए ज्यादा mm. जो आप नहीं करोगे एक तो होता है कि एक टॉपिक के अंदर रहना है यू कैन कैन यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डैमेज फॉर योर व्यूअर्स दे माइट बिलीव अरे यार रणवीर क्या बोल रहे हैं ये ये कैसे गेस्ट लेके आए हैं आपके नज़रिए से क्या जूलियन असांज इज अ वैलिड साइबर क्रिमिनल या कुछ लोग उनको एक रॉबिनुड के नजरिए से देखेंगे कि हाँ पावरफुल देश को एक्सपोज किया थोड़ा सा स्टील मैन करते हैं यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि जूलियन असाँज हीरो है या विलेन है ये भी ग्रे है यूएस गवर्नमेंट भी ग्रे है hmm. आपके अकॉर्डिंग लाइक हाउ वुड यू हिम मुझे हमेशा मानना होता है किसी देश का हीरो किसी दूसरे देश का विलन होता है वाह wow. ठीक है ये hmm. सच है hmm. आप लोग विंस्टन चर्चिल के बारे में बोलते हैं ही वॉज प्रॉबली द बेस्ट थिंग फॉर यू के वु यू से हीरो फॉर इंडिया नो He sucked the blood ही सक द ब्लड आउट ऑफ अस द ऑल आर मनी आउट respect for Winston Churchill. Even if you want to quote his leadership skills, मैं नहीं मानने वाला हूँ मतलब वो हमारे लिए हिटलर है हमारे वो हमारे लिए वो हमारे हित के नहीं थे ठीक है तो बात सच है उन्होंने अपने देश का ख्याल रखा तो यही बात आ जाती है He has his agenda because उनकी problem थी US की के war campaign को लेकर जिस करी थे उनके जो real reason war के थे अभी भी हम जान नहीं सकते हैं सदाम हुसैन वाला अटैक उसकी वजह क्या थी ठीक है इतने दिनों तक उसमाबिन लाने का नहीं मिलना और सडनली मिलना पाकिस्तान के बाद ये सारी चीज़ें जिन लोगों की मन में एक्टिविज़म वाला माइंड रहता है ना दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ट्रूथ समटाइम्स परसूट ऑफ ट्रूथ में हम कुछ सच को ढूंढना चाहते हैं गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं अब जो गलत तरीका है वो तो गलत है इट कैन नॉट अगर आपको कोई सच निकालना है और आपने गलत तरीके से निकाला फिर वो गलत हो जाता है आई थिंक वहीं वो फंस गए उनका तरीका गलत था उनका पॉइंट भले भी सही हो कि ईरान या जो हम देखें इराक वॉर हो या अफ़गानिस्तान वॉट अ ब्यूटिफुल कंट्री और क्या हो गया अब उसके कोई तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही इज ही इज़ हर्ट बाई दैट वो उसके लिए ही यूजिंग अ रॉन्ग वे टू डू इट ना इज ई राइट और रॉन्ग इट्स फॉर पीपल टू डिसाइड डिपेंडिंग ऑन लाइक आई सेट आर फ्रॉम यू और फ्रॉम इंडिया चर्चिल इज हीरो और विलन मतलब एक देश के लॉज उस देश के अकॉर्डिंग बने होंगे पर यहाँ एक ऑजी अमेरिका को अटैक कर रहा है कौन से लॉज आ जाते हैं इंटरनेशनल लॉज होते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर होते हैं ना पहले से पूरी तरीके से बने नहीं है मेरा ऐसा मानना है कि जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है जेनेवा में होता है आई थिंक वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी फोरम बनने की जरूरत है उस लेवल की मेच्योरिटी आई नहीं है उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग अभी तक देशों में आया नहीं है कि दुनिया को बुढ़े चला रहे हैं वो भी नहीं है बट अभी तो ऐसा हो गया ना अभी बाइडन और प्यूटिन के बीच में हैकर एक्सचेंज की बात चल रही है बताइए ये न्यूज़ चल रहे है कि सेटल डाउन या तुम्हारे हैकर ने हमें पेन किया है हमारे लोगों ने पे किया सो ये दो तो हैकर आप हमें दो हम अपने दो तो हैकर दोगे रूल्स एंड वी कैन पनिश हिम एज रूल्स अच्छा पनिशमेंट के लिए हा, क्रिमिनल एक्सचेंज होती है ना जी जी तो ये होता तो है जब आपने पहले कहा तो मुझे लगा हार्दिक पांड्या टू मुंबई कि इनको आप ले लो मतलब किया था पर बाहर -ले लेकिन अब उसका, उसका अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो चीजें मैं बोलता हूँ हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं स्टेट क्राफ्ट जो एक देश की कोर टेक्नोलॉजी होती है जो अब वो स्टेट क्राफ्ट ना धीरे धीरे लीकेज होके ट्रेड क्राफ्ट बन गया है अब मतलब बताइए मतलब क्या होता है मतलब एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी जो बट हाई टेक -tech टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ मतलब देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास रहा करता था वो बहुत ईजीली बाहर अवेलेबल होने लगा है अब जैसे मैंने नॉट नॉट पेटिया की बात की उसकी जो ओरिजिन है वो यूएस में यू uh, एस uh, uh, की इंटेलिजेंस के पास एक वो दो यूज़ करते थे अच्छे काम के लिए जैसे कहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं चाहे वो इंटरनेट हो मोबाइल फ़ोन हो पहले हाँ। हमारे देश के साइंटिस्ट के पास और मिलिट्रीज़ के पास होती है हाँ कुछ कम लोगों के पास हुआ करती थी अब वो अवेलेबल है वो जो जो यूएस ने रख वो चोरी हुई बाद में साइबर क्रिमिनल के पास गई अब जैसे सोचो ये मोबाइल फ़ोन हुआ मोबाइल फ़ोन की कंप्यूटिंग पावर सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा हो चुकी है अभी तो पहले सुपर कंप्यूटर्स कितने लोग अफोर्ड कर सकते थे चार पांच साइंटिस्ट हुआ था इसरो हो गया कहीं हो गया आज आप एक सुपर कंप्यूटर पॉकेट में लेके घूमते हो hmm. तो आपके पास जो किसी के ऊपर किसी के ऊपर अटैक करने की जो ताकत है ना अपने हाथ में हो गया जो देशों के हाथ में हुआ करता था आज का <laughs> अब ए जो है आपके पॉकेट में मेरे पास चार जीपीटी मेरे पॉकेट में है जी ये पावर पहले कहाँ होती थी तो उसका hmm. आप सोचो आप उस हिसाब से सोचो आप किस किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो कोडर्स हैव ऑनेस्टली रूल्ड द बिजनेस वर्ल्ड अभी फॉर द लास्ट थर्टी फोर्टी फिफ्टी बिल गेट्स स्टीव जॉब्स के जनरेशन से पहले भी आई बी एम उन्हें बिजनेस वर्ल्ड को रूल किया फिर बिल गेट्स स्टीव जॉब्स मतलब इट्स इट्स बेसिकली बेस्ड इन सॉफ्टवेयर उसके बाद जकरबर्ग और सैम ऑल्टवन आईड पुट इन द सेम कैटेगरी शायद फ्यूचर में भी कोडर्स विल बी रूलिंग द बिजनेस वर्ल्ड पर अब लोग कहते हैं कि अगर आप पावर शब्द को जाने तो ज़्यादा पावरफुल कौन है एक देश की गवर्नमेंट या वो लोग जो सोशल मीडिया अलगोरिदम्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उसी गवर्नमेंट को देखने का नजरिया बदल सकते हैं hmm. ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है बहुत लोग मानते हैं कि शायद वो ज्यादा स्ट्रांग है और अल्गो से ज्यादा स्ट्रांग उस एलगोरिदम को चलाने वाला इसलिए शायद आप कह रहे हो जो आप कह रहे हो कि कोडर्स भारत के सिपाही है आई थिंक वो भारत के राजा भी बन सकते हैं बहुत बहुत अच्छी बात है यू नो इट्स ऑलमोस्ट आई से दैट टेक्नोलॉजी से हम अपना कंट्रोल एक मशीन को दे रहे हैं बट वाकई में उस मशीन को दे रहे हैं या वो लोग जिस जिन मशीन को चला रहे हैं आप उनको दे रहे हैं ठीक है चाहे कोई कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट हो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए टू सर्व अस नॉट द अदर वे अराउंड तो बहुत कंट्रीज़ हैं आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है जहाँ पे वो ऑलरेडी एआई यूज़ करके काफ़ी कुछ कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया में वो इथोज़ कभी रहा नहीं हमारी वो कंट्रोल वाली इथोस कभी चली नहीं है इट विल फेल एंड आई थिंक दैट वे हमारी डेमोक्रेसी की टेम्पलेट बहुत बढ़िया है hmm. कि वो आप आप किसी को बोलोगे कि हमारी बेसिक नेचर क्या अगर मैं आपको बोलूँगा नहीं यार तुम्हें तो यही खाना है तो बिल्कुल बिल्कुल वही नहीं खाएंगे हम कुछ और ही खाएंगे हमारा वो नेचर है आई थिंक दैट इज़ द नेचर वाइड डेमोक्रेसी प्रिवेल्स ईयर आई विल प्रॉब्ली शिफ्ट द प्रॉब्लम समवर एल्स कोडर्स कई जगह पे बहुत अच्छे हैं चाइनीज़ कोडर्स बड़े अच्छे हैं हमारे जितने ही एफिशियट हैं पोलैंड में एक बेस्ट क्वालिटी कोडर्स मिलते हैं, हैं। yes. इतनी सी कंट्री है द क्वालिटी ऑफ कोडर्स आर अमेजिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड अच्छा बेस्ट इन द वर्ल्ड यूएस में ऑब्वियसली कोडिंग अच्छी बहुत अच्छी है सो आई थिंक द डिफरेंस नाउ इज अभी क्या हो रहा है एआई की वजह से एक और चीज़ आ रही है जो आई थिंक व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि कोडिंग करना भी आसान हो गया है अब जैसे आप देखें चैट जी उसका एक प्रोग्राम आ रहा है कोडेक्स जिसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है वो आपके लिए सत्तर अस्सी परसेंट कोड वो बना के देगा मतलब आपको क्या सोचना है अभी मुझे इमेजिन करना है कि मुझे क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ कोड तो वैसे ही मुझे मिल जाएगा अब मैं उसके ऊपर अब जो देश इमेजिन कर पाएगा ना बेटर वही देश आगे बढ़ने वाला है वाह इमेजिनेशन इज द की अब मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोग्राम आती है को पायलट अब को पायलट से आपको इस प्रोडक्ट में एक नया फीचर चाहिए जो नौ महीने लगते हैं नए प्रोडक्ट फीचर के लिए आजकल सात दिन में हो जाते हैं क्यों क्योंकि आपके पास पच्चीस चीज़ें हैं जो आपके लिए कोड करके कोड रेडी करके देंगे और वो 80% कंप्लीटेड कोड होता है, 20% एक ह्यूमन एलिमेंट होगा ह्यूमन एलिमेंट होगा जिसमें ह्यूमन इमेजिनेशन आएगा तो अगर आप इमेजिन कर सकते हो एक फीचर आपको चाहिए जो कोई दूसरा नहीं कर सकता वही आपके लिए अभी की है दोस्तों ऐसे तो ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ